अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। आज हम बात करेंगे बीबीए के मुतालिक के बीबीए क्या है, कौन से तलबा को बीबीए करना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है और बीबीए करने के बाद आपके पास क्या चांसेस हैं कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस में जाएंगे और आप कितना हैंडसम सैलरी या हैंडसम अमाउंट मंथली कमा सकेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आरूज मुश्ताक साहिबा, आज हम इनसे बात करेंगे जो कि ये फैकल्टी मेंबर हैं लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट टाउनशिप कैंपस की। इनसे इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानेंगे और आप तमाम तलबा को मुस्तफीद करेंगे कि आप में से कौन से तलबा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या उनको आना चाहिए और इस शोबे में अपना स्कोप, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बेसिकली मुझे बताइएगा कि बीबीए है क्या। BBA is basically bachelor's in business and administration and it is a very good degree for students. Acha, BBA ke liye minimum jo criteria hai ya qualification hai wo kitni honi chahiye? Intermediate should be mandatory for students in order to jump in BBA or BSI. Kaun se talba jo is field ke liye suitable ho sakte hain ya unko ye BBA jo hai degree lazmi karni chahiye? I think students with good managerial skills, management and marketing skills, economic and all these type of skills should go for BBA. Aur BBA ka scope kitna hai, matlab iske kya chances hain jo talib ilm BBA aaj ek naujawan agar karta hai, is field mein dakhla leta hai to wo kahan tak uske jane ke chances hain, scope kya hoga iska? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल का जो वक्त है वो डिजिटल है और बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ों को ज़्यादा लाइक किया जाता है। सो बीबीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ डेज बिकॉज बीबीए इज़ अ कंप्लीट मल्टीट्यूड डिग्री जो कि हमें बिजनेस भी, मैनेजमेंट भी एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेवल के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स को स्किल्स को इनहेंस करती है। सो आई थिंक दिस डिग्री इज़ वेरी गुड फॉर इन टूडेज़ वर्ल्ड, स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आजकल के वक्त में। अगर जो स्टूडेंट BSIT और BBA करता है तो वो इस कंपटीशन को बीट करने की सलाहियत रखता है। BBA का एम्प्लॉयबिलिटी में क्या रोल होगा? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रोल बिकॉज अगर BBA कोई स्टूडेंट कर लेता है तो उसको कल को बहुत अच्छी मल्टीनेशनल फर्म में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। जॉब नहीं तो आई थिंक ही विल गो फॉर हिज और हर ऑन वर्क एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। मंथली तकरीबन एक BBA किया हुआ नौजवान कितना कमा सकते हैं? Handsome or moderate amount of salary he or she can earn. ठीक है, जो BBA करने के लिए बुनियादी तौर पर स्किल्स होना लाजमी है वो कौन सी हैं और कौन से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने अंदर ऐसी स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए? ओके, BBA करने के लिए जो स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं बेसिकली वो मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द कोर बेनिफिशियल स्किल्स विच शुड हैव इन एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट, वो BBA के अंदर जो है वो स्कोप इन कर सकता है। BBA के जो तालिबे इल्म करते हैं क्या उनके लिए इंटर्नशिप करना लाजमी है? येस, टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इंटर्नशिप जो है वो आपकी इनिशियल लेवल पे ही आपकी स्किल्स को पॉलिश करता है एंड इन स्पेशली इन लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट टाउनशिप कैंपस हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्किल्स को विद इन द इंस्टीट्यूट डिवेलप कर सके और इन फ्यूचर उनको जॉब वगैरह या अपना कोई बिजनेस है उनमें हेल्प आउट हो सके। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इससे कबल कितने स्टूडेंट्स या ऐसी यूथ को मार्केट में दे चुका है, मार्केट में भेज चुका है जिन्होंने BBA किया और वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज हमारे जो यहाँ से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके जाते हैं वो आज इन माशाल्लाह से सबके सब बहुत स्टेबल हैं, या तो वो जॉब कर रहे हैं या वो बिजनेस कर रहे हैं एंड कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको ये डिग्री करके रिग्रेट फील हुआ हो कि उसने गलत किया है। स्पेशली लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट टाउनशिप कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हम इसके अंदर प्रॉमिस करते हैं पंचुअलिटी स्टूडेंट की और उसकी एजुकेशन और उसकी स्किल्स जो हैं वो हम लोग कम्प्लीटली मॉडरेट लेवल पर इन्हेंस करते हैं। दूसरे तालीमी इदारों से आप क्या मुख्तलिफ दे रहे हैं? दूसरे इंस्टीट्यूट से हम ये मुख्तलिफ दे रहे हैं कि हम ये नहीं कि बस बच्चों को कहें कि वो जॉब्स हैं या वो बाहर चले जाएंगे, नो, हम उनकी इंटरनल स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं कि उनके अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं वो मिनिमाइज हो सकें और मैनेजमेंट और बिजनेस की जो स्किल्स हैं वो मॉडरेट लेवल तक अचीव हो सकें। थैंक यू सो मच, आपने इल्म की दुनिया को वक्त दिया और तमाम तलबा को बताया कि BBA क्या होता है, BBA के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से स्टूडेंट्स को BBA करना चाहिए और BBA का स्कोप क्या है।
डियर स्टूडेंट्स, आपको यकीनन इस हवाले से जो इनिशियल और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई होगी। आप में से वो तमाम तलबा जो इस फील्ड का इंटरेस्ट रखते हैं या उनको लगता है कि उन्हें बीबीए करना चाहिए, उन्हें बिज़नेस की तरफ, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आना चाहिए, उनके पास मैनेजमेंट की स्किल है, तो वो लाजमी तौर पर बीबीए करें। आप लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दूसरों से काफ़ी मुख्तलिफ भी हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी साबित हो सकती हैं। हमें दीजिए इजाज़त, आपके लिए किसी नए वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।